साथियों, ढाई सीएम की सरकार के कारनामे तो आप देख ही रहे हैं। यहां ट्रांसफर का, कर्मचारियों को परेशान करने का उद्योग, ट्रांसफर उद्योग एक गोरख धंधे का नया खेल है, बराबर फल फूल रहा है। अपराधी और डकैत सिर उठा रहे हैं, दलित और आदिवासी छात्र छात्राएं आवास भत्ते के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली से आपके इस सेवक ने आदिवासी बच्चों, प्रसूता बहनों का कुपोषण से, भूख से बचाने के लिए जो पैसा भेजा, वो भी इन्होंने चुनाव प्रचार में लगा दिया। साथियों, तुगलक रोड चुनाव घोटाला पूरे देश ने देखा है। कांग्रेस के नेताओं के घर से करोड़ों रुपयों बोरे में भर भर करके मिले हैं। आपने टीवी पर देखा कि नहीं देखा? सरकार को अभी तो 60 दिन नहीं हुए थे और खेल चालू कर दिया। 15 साल का पुराना भी लाओ, कुछ बचेगा क्या आपके पास? कुछ बचेगा क्या? ये मध्य प्रदेश बचेगा क्या? भाइयों बहनों, एक उंगली दबाने की गलती ने पूरे मध्य प्रदेश को तबाह कर दिया है। ऐसी नियत रखने वालों पर भला देश कैसे विश्वास कर सकता है? यही कारण है कि कांग्रेस और उसके तमाम महामिलावटी दलों को देश ने हर स्तर पर नकारता जा रहा है।